और फिर हम देखते हैं कि बीरस की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के हेल्प की वजह से वेजिटा की खुद की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बाहर आने के लिए सपोर्ट मिलता है और फिर फाइनली वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और क्या हालचाल गाइस, हम देखते हैं कि वेजिटा अपने ब्लू इवोल्यूशन के फॉर्म में होता है और वेजिटा बीरस के फेस पर एक बहुत ही जोर से पंच कर देता है और फिर बीरस ये शर्त हार जाता है कि वेजिटा बीरस को एक भी पंच हिट नहीं कर सकता। वेजिटा बीरस के फेस पर पंच करने के बाद कहता है, क्या हुआ लॉर्ड बीरस, आप अपनी शर्त हार गए और आपकी बातें बेफिजूल हो गई। वेजिटा इतना कहने के बाद बीरस को और मारने लगता है और फिर बीरस गुस्से में आ जाता है, उसके अगल बगल से पर्पल कलर की ऑरा आ जाती है और बीरस कहता है, बस बहुत हो गया सयन। इतना कहने के बाद बीरस वेजिटा का फेस पकड़कर जमीन की तरफ पटकने के लिए जाता है। हम देखते हैं कि बीरस वेजिटा का फेस पकड़कर जमीन से रगड़ते हुए जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ज्यादा सदमे में चला जाता है। इसके बाद वेजिटा मन ही मन कहता है, लॉर्ड बीरस कोई आम देवता नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बहुत ज्यादा थी, क्या ये लॉर्ड बीरस की पूरी ताकत थी या फिर लॉर्ड बीरस। वेजिटा मन ही मन इतना सब कुछ कह ही रहा होता है कि तभी बेहोश हो जाता है। वेजिटा के बेहोश होने के बाद बीरस लीमो से कहता है, लीमो क्या तुमने मेरे लिए कुछ बनाया है, जब तक वेजिटा बेहोश है तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ, मेरा खाने का मन हो रहा है, जल्दी लाओ। लीमो कहता है, जी लॉर्ड बीरस मैं समझ गया। इसके बाद हमें पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चैम्बर को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि विस के साथ गोकू और ब्रॉली पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चैम्बर के बिल्कुल सेंटर में पहुंच चुके होते हैं। पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में इतनी ज्यादा ग्रेविटी रहती है कि गोकू जमीन पर खड़े रहने की जगह पर जमीन पर लौट रहा होता है। हम देखते हैं कि गोकू जमीन पर से उठने की कोशिश करता है लेकिन ग्रेविटी इतनी ज्यादा रहती है कि गोकू की एक एक नस बाहर आ जाती है। इसके बाद विस गोकू से कहता है, क्या हुआ गोकू, तुमने तो कहा था कि पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुंचने के बाद तुम अपना बेस्ट दोगे, लेकिन तुम तो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। इसके बाद हमें ब्रॉली को दिखाया जाता है। ब्रॉली गोकू और विस से 20 कदम दूर होता है और हम देखते हैं कि ब्रॉली की एक एक नस बाहर आ चुकी रहती है और ब्रॉली अपना एक एक कदम बहुत ही मुश्किल से बढ़ा पा रहा था। विस ब्रॉली से कहता है, चलो कम से कम इतना तो मुझे देखकर अच्छा लगा कि ब्रॉली अपने पैरों पर खड़ा है। इसके बाद गोकू ब्रॉली को देखता है और कहता है, अगर तुम कर सकते हो ब्रॉली तो मैं भी कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद गोकू भी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है और फिर कुछ ही समय के बाद गोकू भी अपने पैरों पर खड़े हो जाता है। जब तक गोकू उठकर खड़े हो रहा था तब तक ब्रॉली भी विस तक पहुँच जाता है और इसके बाद विस गोकू और ब्रॉली से कहता है, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, जैसे ही कुछ समय बीत जाएगा तुम्हें इस ग्रेविटी में रहने की आदत हो जाएगी। और इतना कहने के बाद विस आगे कहता है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये है पिरामिड ऑफ पावर का टाइम चेंबर, यहाँ पर समय रुक जाता है और ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है गोकू कि तुम सही सलामत खड़े हो चुके हो, हमेशा की तरह जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा तुमने कर दिखाया है और ब्रॉली तुमने भी। विस के इतना कहने के बाद गोकू विस से कहता है, विस क्या तुम्हें भी इस ग्रेविटी का असर हो रहा है या फिर नहीं। विस कहता है, मेरी जगह तुमसे अलग है गोकू। गोकू कहता है, मैं समझा नहीं विस। विस गोकू से कहता है, ऐसा समझो कि मेरे लिए ग्रेविटी कुछ भी नहीं है, समझ सकते हो कि मुझे ग्रेविटी सिर्फ महसूस हो रही है, मेरे शरीर पर कोई भी असर नहीं है इस ग्रेविटी का। गोकू कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, है ना विस। विस कहता है, अब चलो भी गोकू, जो चीज के लिए हम यहाँ पर आए हैं उसे पूरा करना जरूरी है। और इतना कहने के बाद विस आगे कहता है, मैं चाहता तो तुम दोनों को यहाँ पर अकेले भेज देता, लेकिन ब्रॉली को गॉड की सीखनी है और गॉड की सीखने के लिए उसे उसकी लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। मैं तुम दोनों के साथ यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ब्रॉली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसको कंट्रोल में लाने के लिए गोकू तुम काफी नहीं थे, या फिर तुम सिर्फ ब्रॉली से फाइट कर सकते थे, लेकिन ये सारी चीजें बेफिजूल हो जाती क्योंकि यहाँ पर तुम सीखने आए हो, फाइट करने नहीं, और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आया हूँ। गोकू विस से कहता है, ठीक है विस, मैं समझ गया कि ये पिरामिड ऑफ पावर आखिर क्या चीज है। इसके बाद विस आगे कहता है, तो फिर ठीक है, तुम्हें ये पता चल चुका है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और कहाँ पर आए हो। इतना कहने के बाद विस ब्रॉली से कहता है, तो फिर ब्रॉली सबसे पहले जो तुम्हारे अंदर एनर्जी है उसे महसूस करो और फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करो, और फिर ब्रॉली जैसे ही मैं तुम्हें रुकने के लिए कहूंगा तुम्हें अपनी एनर्जी बढ़ाना बंद करना होगा। और फिर ब्रॉली विस से कहता है, ठीक है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ब्रॉली इतना कह रहा होता है कि तभी गोकू कहता है, ठीक है ब्रॉली तुम शुरू करो, मैं तब तक इस ग्रेविटी का फायदा उठा लेता हूँ। और इतना कहने के बाद गोकू वहाँ पर एक्सरसाइज करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा ग्रेविटी होने के बाद भी ब्रॉली अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है। ब्रॉली अपनी पावर बढ़ा ही रहा होता है तभी ब्रॉली अपने इकारी फॉर्म में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ब्रॉली की हाइट बढ़ जाती है और उसकी बॉडी भी बड़ी हो जाती है। और फिर विस ब्रॉली से कहता है,
बस ब्रॉली यहीं पर रुक जाओ। और फिर हम देखते हैं कि ब्रॉली अपनी एनर्जी बढ़ाना रोक देता है और कुछ समय के लिए रुक जाता है। इसके बाद विज अपने स्टाफ से एक एग निकालता है। इसके बाद विज ब्रॉली को वो एग दे देता है, लेकिन जैसे ही ब्रॉली अपने हाथ में एग लेता है वैसे ही एग फूट जाता है। लेकिन विज कहता है, ब्रॉली तुमने ये क्या किया, तुम्हें कंट्रोल करना है अपनी एनर्जी पर, इस एग को फूटने नहीं देना है। लेकिन तभी हम गोकू को देखते हैं जो बहुत ही मुश्किल से एक एक पुशअप कर पा रहा था। और फिर गोकू विज को देखते हुए मन ही मन कहता है, वाओ विज तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो तो ब्रिलियंट है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्रॉली अपनी एनर्जी पर कंट्रोल पाएगा, वो भी एक एग के साथ ट्रेनिंग करके। हम देखते हैं कि ब्रॉली के हाथ से जब एक एग फूट जाता है तो विज अपने स्टाफ से एक और एग निकालता है। और फिर विज कहता है, ब्रॉली भले ही तुम्हारे पास बहुत ताकत हो, लेकिन फिर भी जितनी ताकत की जरूरत हो उतनी ही ताकत का इस्तेमाल करना सीखना होगा। ब्रॉली कहता है, मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस एग को फूटने नहीं दूंगा। और फिर विज ब्रॉली को वो एग देता है और ब्रॉली अपने हाथ में पकड़ता है और बहुत कोशिश करता है कि वो एग को फूटने ना दे, लेकिन फिर भी एग के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। ब्रॉली अपनी ट्रेनिंग कर ही रहा होता है कि तभी गोकू अपने मन ही मन कहता है, क्या मैं इस जगह पर उड़ सकता हूँ, चलो कोशिश करता हूँ। लेकिन तभी गोकू सिर्फ एक फुट तक जंप करता है, लेकिन गोकू जमीन पर आकर बहुत जोर से गिर जाता है। इसके बाद गोकू मन ही मन कहता है, लगता है मैं अपने बेस फॉर्म में कुछ भी नहीं कर सकता, क्यों ना मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊं। इतना कहने के बाद गोकू सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेविटी इतनी ज्यादा रहती है कि सुपर सैन बनना भी गोकू के लिए कोई नॉर्मल बात नहीं थी। सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद गोकू कहता है, हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन सुपर सैन भी काफी नहीं है। इसके बाद गोकू अपने ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपने ब्लू गॉड के फॉर्म में उड़ पा रहा था। ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद गोकू कहता है, चलो कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूँ कि मैं उड़ पा रहा हूँ, लेकिन मेरी स्पीड बहुत ज्यादा धीमी है। लेकिन चाहे जो भी हो, मैं अपनी इस ताकत के साथ सभी एक्सरसाइज कर सकता हूँ। इसके बाद गोकू आगे मन ही मन कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जबरदस्त ग्रेविटी में अपने बेस फॉर्म के साथ ट्रेनिंग ना करके ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म होकर ट्रेनिंग करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि विज गोकू को देख रहा होता है और मन ही मन कहता है, मानना पड़ेगा सैयन कभी भी आराम नहीं करते हैं, और एक तरफ मेरे लॉर्ड बीरस हैं जो कि हमेशा सोते रहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपने ब्लू गॉड के फॉर्म में वो सारी एक्सरसाइज कर पा रहा था जो कि गोकू अपने बेस फॉर्म में नहीं कर सकता था। और फिर कुछ समय बीत जाता है, हम देखते हैं कि ब्रॉली अपने इकारी फॉर्म में बिल्कुल शांत खड़ा होता है और अपने हाथ में एग लेकर खड़े रहता है। विज ब्रॉली से कहता है, चलो इतने सारे एग्स के नुकसान पर तुमने अपने इकारी फॉर्म पर कंट्रोल पाना शुरू कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि इतने कंट्रोल के बाद तुम अपनी लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन में पहले से अच्छा कंट्रोल कर पाओगे, तो फिर इसी कंट्रोल के साथ अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू करो और फिर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ो। हम देखते हैं कि ब्रॉली अभी भी अपनी ताकत पर कंट्रोल पाना सीख रहा होता है और गोकू भी अपनी ब्लू गॉड के फॉर्म में ट्रेनिंग कर रहा होता है। इसके बाद हमें वेजिटा और बीरस का सीन दिखाया जाता है और वेजिटा अभी अभी होश में आया होता है। बीरस वेजिटा को देखकर कहता है, तो आखिरकार तुम होश में आ ही गए। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके कहे हुए रास्ते पर चल नहीं पाया। बीरस कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया वेजिटा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी कुछ समय के लिए आई थी। वेजिटा कहता है, क्या आप सच कह रहे हो लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, अपने अंदर उस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करो, मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो। हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी आंखें बंद करता है और उस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा कोई भी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को महसूस नहीं कर पाता है। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस जो आप कहना चाह रहे हैं वो मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। बीरस कहता है, तुमने मेरा सिर्फ समय बर्बाद किया है वेजिटा, इसीलिए अब हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। वेजिटा बीरस की ये बात सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है, आप मुझे मारने की बात कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि बीरस वेजिटा की कोई बात नहीं सुनता है और बीरस वेजिटा की तरफ अपना हकाई एनर्जी से भरा हुआ बॉल कर देता है। वेजिटा की तरफ हकाई बॉल आने वाला होता है कि तभी वेजिटा अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है, लेकिन वेजिटा इससे पहले कुछ कर पाता बीरस का हकाई बॉल वेजिटा को आकर लग जाता है। बीरस की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से भरी हुई हकाई बॉल वेजिटा के अंदर चली जाती है। हम देखते हैं कि बीरस के हकाई बॉल की वजह से वेजिटा दर्द से चिल्ला रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि बीरस की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की वजह से वेजिटा की खुद की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बाहर आने लगती है। इसके बाद बीरस वेजिटा को देखकर मन ही मन कहता है, मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया था। और फिर हम देखते हैं कि बीरस की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की हेल्प की वजह से वेजिटा की खुद की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बाहर आने के लिए सपोर्ट मिलता है। और फिर फाइनली वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए शांति बनी रहती है और बीरस कहता है, मुझे अपने आप पर बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है, आखिरकार वेजिटा तुमने हकाई शिन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ही ली। इसके बाद वेजिटा अपने हाथों को देखता है और अपनी ताकत को महसूस करने लगता है। बीरस वेजिटा से कहता है, आखिरकार तुमने कर दिखाया, अपने अहंकार और घमंड की वजह से जिसे तुम अपना प्राइड कहते हो, वही प्राइड आज तुम्हें बिल्कुल नई ऊंचाई पर ले जा चुका है। वेजिटा कहता है,
तो आप कह रहे हो लॉर्ड बीरस कि मैं अपने अहंकार की वजह से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, तो ठीक है फिर मैं अपनी इस ताकत को अल्ट्रा ईगो नाम देना चाहूंगा। वेजिटा इतना कह ही रहा होता है कि तभी हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि गोटेन के सामने ज़ाइकोर खड़े रहता है, जहाँ पर ज़ाइकोर आ चुका होता है और सबसे पहले वो गोटेन को मार देता है। ज़ाइकोर कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अर्थ पर आने के बाद मेरी मुलाकात सबसे पहले मेरे छोटे भाई गोटेन से होगी, लेकिन अफसोस मेरा छोटा भाई गोटेन अब इस दुनिया में नहीं रहा, है ना मॉम। और फिर हम देखते हैं कि ज़ाइकोर की मॉम हंस रही होती है कि तभी हमें पिरामिड ऑफ पावर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बहुत ही लंबे समय के बाद गोकू अपने सुपर सैन 3 ब्लू गॉड के फॉर्म में पहुंच चुका होता है, और इसके बाद वेस पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चैम्बर के बारे में और भी कुछ नई खास बातें बताता है। तो गाइस हमें पार्ट 12 में ब्रॉली गॉड की के साथ दिखाई देगा, और गोकू का तीसरा बेटा ज़ाइकोर भी अर्थ पर आ चुका है। प्रीवियस पार्ट अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लो। हमेशा की तरह जितना अच्छा सपोर्ट होगा उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा, तो इसीलिए पार्ट 12 कमेंट कर दो। मैं मिलता हूँ डाइशिंकन गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स पार्ट 12 में, तब तक के लिए बाय बाय।